गाइस, तो एक बार फिर से आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं कॉटेज मीटिंग में, और कॉटेज मीटिंग इसलिए है, उन्होंने रखी है क्योंकि आज हमारे रजनीश भाई हैं जो उनके बेटे का बर्थडे है। तो बर्थडे है और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी कार्य करो वो धन्यवाद के शुरुआत करो और मेरा नाम लेके शुरुआत करो। तो आज वो लोग उसी वचन को फॉलो करने जा रहे हैं। नए साल में उनके बेटे का प्रवेश हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि उनका उनके जो बेटे का प्रवेश हो नए साल में, वो दुआ प्रार्थना और आराधना के साथ हो। परमेश्वर की आशीषों को वो इस नए साल में चाहते हैं बेटे के जीवन में। तो हम चलते हैं और आज आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो हमें ज़रूर से भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और फॉलो भी करें प्लीज़। आइए अभी हम थोड़ा सा व्यूज देखते हैं। बारिश का समय है, सावन का महीना है और बारिश आती है तो पेड़ पौधे खूब हरियाली छा जाती है, सभी पेड़ पौधे बड़े ही सुंदर लगते हैं, हरे हरे हरियाली। लेकिन ना जो कीचड़ होती है ना वो बहुत गंदी लगती है। चलते चलते हमने सोचा क्यों ना प्रभु के गाने गा लिए जाए, तो अपना फेवरेट सॉन्ग में गाना चाहूँगी और मेरी बेटी का भी फेवरेट है, मेरा भी और इसका भी फेवरेट है, आदि का भी फेवरेट है। खूबसूरत है मसीह, हालेलुया। तो प्रभु ने जो है ना हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। प्रभु इतना महान है और हम परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो वो कितना खूबसूरत है। आइए इस गाने में सुनते हैं। खूबसूरत पहुंचने ही वाले हैं। पहुंच के आपको फैमिली से मिलाते हैं और आप सब उनसे मिलिएगा। उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। वो यहाँ नहीं रहते थे, वो गांव में रहते थे। वो पिछले साल ही वो यहाँ पर दिल्ली में आए हैं और प्रभु के वचन को उनका पूरा परिवार जानता है, प्रभु को जानता है। अभी उनकी सास भी आई हुई है, उनकी सास यहाँ पर आई हैं। आप सभी उनकी सास के लिए प्रेयर करें। उनकी सास के आँख में मोती बिंद है, परमेश्वर उनको छू के चंगाई दे। हम भी प्रेयर कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। और उनके हस्बैंड यहाँ पर मजदूरी करते हैं, परमेश्वर ने उनको आशीष और बरकत दी है। उस मजदूरी में भी वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, घर का खर्च चला रहे हैं, क्योंकि वो एक काम करते हैं, प्रभु का दसवां हिस्सा प्रभु के भवन में लेके आते हैं। वाटरप्रूफ। हम पहुंच गए हैं अभी बहन के घर में और यहाँ पर अब जन्मदिन बनेगा। ये हैं निहाल के पापा,
जिनका आज बर्थडे है, उनके पापा हैं और ये उनकी मम्मी सावित्री बहन, और ये उनकी दादी जी अभी गांव से आई हैं, जिसके बारे में बता रही थी आपको। इनकी तबीयत ख़राब है, आँखों में मोतियाबिंद है, तो आप सभी प्रार्थना करें, अम्मा जी को याद रखें प्रार्थना में, ताकि ये ठीक हो जाए। और अभी हम दुआ में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो अभी बहन ने बड़ा ही अच्छा इंतजाम भी कर रखा है, नाश्ता वगैरह पहले ही लगा रखा है, आने से पहले ही बहन को मालूम, जैसे चला हम लोग आ रहे हैं तो बहन ने वैसे ही तैयारी कर ली है। अभी हम चलते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं। हमेशा बाइबल की बातें सिखाओ, हालेलुया। और जब बाइबल की बातें सीखेंगे, बाइबल में लिखा अपने घर की चौखटों पे, अपनी दीवारों पर परमेश्वर के वचन लिखो, जब बच्चा आएगा जाएगा वो देखेगा, अरे बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर करो, तो शैतान एकदम से गुस्सा भी दिलाएगा ना। God bless you.
दादी के पास चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। दुआ प्रार्थना खत्म हो चुकी है और अभी हम सब बैठ गए हैं, बच्चे ऊपर गए हैं, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो इस वजह से बच्चे ऊपर गए हैं छत पे। अभी सावित्री बहन ने खाना वाना का इंतजाम किया है, खाना वाना खा के और फिर उसके बाद हम घर की तरफ निकलते हैं। अब हमने खाना पीना खा लिया है, अब हम घर की ओर रवाना हो रहे हैं। नहीं जाने दे रहे हैं, जबरदस्ती जा रहे हैं। जाना तो पड़ेगा, घर देखना है, कल बच्चे स्कूल जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय रजनीश भैया, बाय बाय निहार, अगेन हैप्पी बर्थडे, बाय वंशिका। तो गाइज हम घर पहुंच चुके हैं और अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। निहाल का बर्थडे था और प्रभु ने उसको बहुत आशीषित किया होगा, हम जानते हैं और विश्वास करते हैं। प्रभु का धन्यवाद, अच्छा खाना पीना खाया और अभी हम घर आ चुके हैं। तो इसी समय हम ब्लॉग को एंड करते हैं। सबको बाय बाय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे।